हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने पैन में ऑलिव ऑयल डाला है थोड़ा सा, एंड उसके बाद मैंने ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैंने कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर, फ्रेश ब्लैक पेपर को मैंने उसमें क्रश किया, एंड क्योंकि उसका जो फ्रेगनेंस होता है वो अलग ही आता है, एंड देन उसको ऑलिव ऑयल में डाला है। एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल चॉप गार्लिक डाला है इसमें ये, और उसे अच्छे से भून लिया है गार्लिक को। थोड़ी जब गार्लिक की अच्छी फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाए तो ये अनियन एंड कैप्सिकम, वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अनियन एंड कैप्सिकम ही डालेंगे, जो भी आपको खाना है आप वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसमें आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, आप मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, तो वेजिटेबल आप अपनी चॉइस की ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल वेजिटेबल जो थी वो कैप्सिकम एंड अनियन थी, और मुझे पसंद भी यही है तो हमने उसी का ही यूज़ किया है। और इन वेजिटेबल्स को आप डालने के बाद अच्छे से थोड़ी देर सॉटे कर लोगे। जो वेजिटेबल्स आप सॉटे करते हैं, जो भी जब भी सॉटे प्रोसेस होता है तो हमें हाई फ्लेम पे सॉटे की जाती हैं वेजिटेबल्स, और उन्हें पूरा नहीं पकाया जाता है, उन्हें सिर्फ नियरली 40% कुक किया जाता है, और बाकी थोड़ा क्रंच उसमें छोड़ दिया जाता है जो कि पास्ता में अच्छा लगता है। और अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। ये हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल फिर से डाला पैन में, एंड अब डालेंगे हम थोड़ा सा बटर। ये गाइस एक टिप है, जब भी आप बटर, अगर सिर्फ बटर डालेंगे वाइट सॉस के लिए तो बटर जल जाता है, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेंगे तो बटर जलता नहीं है, उसका टेस्ट भी वैसा ही रहता है। जले हुए बटर का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। तो जब भी वाइट सॉस बनाएं तो पहले ऑलिव ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल आप डालें और देन बटर डालें। और ये हमने 3 टेबलस्पून ऑफ मैदा यूज़ किया है वाइट सॉस बनाने के लिए। अब हम थोड़ा अच्छे से इसे भून लेंगे थोड़ी देर, 1 or 2 मिनट, एंड उसके बाद हम इसमें अ ग्लास ऑफ मिल्क ऐड करेंगे, 1 ग्लास दूध या 1 बड़ा कप, क्योंकि हमारी जो पास्ता की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, 400 ग्राम्स ऑफ पास्ता हम बना रहे हैं आज, तो इसीलिए तो पूरा 1 ग्लास ऑफ मिल्क डालेंगे। मिल्क चिल्ड मिल्क नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे स्टिर करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके, ताकि लिम्स ना आए, और इसके बाद हम स्टिर करते रहेंगे तो लिम्स आएंगे नहीं, जैसे जैसे गर्म होएगा तो लिम्स सारे ठीक हो जाएंगे। और हम दूसरी साइड पे यहाँ पे इसे भी स्टिर करते रहेंगे, और दूसरी साइड पे हमने पास्ता बॉयल होना रख दिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया एंड पास्ता डाल दिया, एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं हम बॉयलिंग में, वो करना ज़रूरी है ताकि पास्ते में अच्छे से नमक चला जाए। और साइड में हम, आप देख सकते हो कि देखो लिम्स भी नहीं रहे हैं। अब हम इसे साथ में वो करते रहे हैं, बिल्कुल ना स्टिर करते रहे हैं। और ये मैंने दूसरा यूज़ कर लिया है स्पैचुला, जो कि लिम्स जो थोड़े बहुत होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसमें 3 स्लाइस ऑफ चीज़ ऐड करेंगे, 3 स्लाइसेस करी हैं मैंने, आप ये आपकी ओन चॉइस है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं कम भी। और उसके बाद ये हमने डाले हैं ऑर्गेनोस, वाइट सॉस में ही ऑर्गेनोस डाल देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये थोड़े से चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसे अच्छे से स्टिर कर रहे हैं। और चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आपको कितना चीज़ी पास्ता पसंद है, बट चीज़ डालना ज़रूरी है, उससे जो वाइट सॉस का टेस्ट आता है और वाइट सॉस पास्ते का बहुत ही अच्छा आता है। और अब ये नियरली हमारा पास्ता भी बॉयल होके रेडी हो गया है, अब हम इसे स्टिर कर लेंगे, एंड देन इसको वाइट सॉस में हमने ऐड कर दिया है, और जो हमारी वेजिटेबल्स भी थी जो सॉटे करी हुई थी वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे, एंड फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने डाल दी हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो पास्ता ऑलरेडी बहुत गर्म है, बट स्टिल आप इसको, ये मिक्सिंग प्रोसेस आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पास्ता बहुत हॉट है और सॉस भी हमने अभी बनाई थी, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फ्लेम ऑन रखनी ही रखनी है।
तो ये हम इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है और अब हम इसे सर्व करेंगे और खाएंगे। तो गाइस ये रेसिपी बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी पास्ता बनता है, तो प्लीज़ ट्राई। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपके पास बस ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए पास्ता बनाने के लिए। सो गाइस अब हम इसे करेंगे सर्व, तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, थैंक यू सो मच।